अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ साड़ी गाउन की वीडियो शेयर करूंगी, जो कि मैं 6 साल की बच्ची के लिए बनाई हूं। और ये देखिए, मैं यहाँ पे 2 मीटर जॉर्जेट ली थी प्लेन, और ये भी जॉर्जेट, इस पर जो है कि कढ़ाई की हुई है। ये जो है कि टुकड़ा में मिल गया था मुझे। अब देखिए, मैं इसे 4 फोल्ड कर ली हूँ, और यहाँ से मैं इसकी लंबाई आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं 6 इंच ली उसकी लंबाई। अब मैं शोल्डर का माप लूँगी, शोल्डर में 5.5 इंच ली हूँ, और आर्महोल 6 इंच। यहाँ से जो है कि चेस्ट का मैं 8 इंच पे निशान लगाऊँगी, और वेस्ट के लिए 7 इंच पे। अब मैं इन सारे निशानों को मिला लूँगी, और यहाँ से मैं आर्महोल का शेप दे दी हूँ। अब मैं गले का माप लूँगी। गले की चौड़ाई जो है कि 2.5 इंच है, और पीछे का गला 2 इंच है, आगे का 3.5 इंच। अब मैं गले की गुलाई का निशान लगा ली हूँ। यहाँ पे 0.5 इंच शोल्डर डाउन करूँगी, इसका भी मैं निशान लगा ली हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम पहले पीछे की गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, कटिंग हो चुकी है। मैं पीछे वाला जो हिस्सा उसे निकाल करके आगे के गले की कटिंग कर ली हूँ। और ये देखिए, कपड़े को हम वैसे जैसे हम मेन फैब्रिक को फोल्ड किए थे, वैसे 4 हिस्से में फोल्ड करके अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और ये पीछे वाला निकाल करके अब मैं आगे का हिस्सा रख करके उसकी कटिंग कर ली हूँ। देखिए, टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब मैं नीचे बॉटम की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, बॉटम की लंबाई जो है कि 35 इंच ली हूँ, और ये डबल फोल्ड है। अब मैं इसे ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लूँगी। हम एकदम लास्ट कोने से ही रख के इसका निशान लगाएंगे। देखिए, मैं 35 पे निशान लगा ले रही हूँ, लगाई हूँ। ऊपर से निशान लगाते हैं तो एकदम हमारा अम्ब्रेला जो है कि एकदम परफेक्ट उसी कटिंग होती है। और यहाँ देखिए, निशान को मैं लगा ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ा डार्क कर लूँगी, और ये ऊपर से मैं 6 इंच पे निशान लगा करके अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है बॉटम की। और ये जो नीचे से उसके बॉटम की कटिंग के बाद जो हिस्सा बचा था, मैं इसी से ही आस्तीन निकाली हूँ। इसीलिए मैं अब ये देखिए, आस्तीन को मैं जो है कि 4 फोल्ड करके रख ली हूँ। इसकी चौड़ाई 7 इंच है, और इसकी लंबाई 13 इंच है। मैं यहाँ 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम ऊपर के लिए निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच जो है कि आर्महोल के का निशान हम लगाएंगे। देखिए, आस्तीन का मैं सारे निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए, आस्तीन की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बीच का हिस्सा पकड़ करके इसमें चटका लगा देंगे। यहाँ से आस्तीन लगाने में आसानी होती है। देखिए, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये जो है कि इनर को नीचे रख के हम मेन फैब्रिक ऊपर रखते हुए हम इसमें बड़ी सिलाई लगा लेंगे। बड़ी सिलाई लगाने से ये होता है कि कपड़ा हमारा फिसलता नहीं है, और बहुत फिनिशिंग से सिलाई हो जाती है। और ये देखिए, गले कि मैं पट्टी कट करके रख ली हूँ, और इसे लगा करके चटका दे दी हूँ। अब इसे हम पीछे की साइड पलट करके इसमें हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, फिनिशिंग की सिलाई लगा करके कंप्लीट हो चुका है। और ये पीछे भी मैं पट्टी कट करके रखी थी, उसे जो है कि लगा ली। और ये पीछे हम इसकी तुरपाई कर लेंगे गले की। देखिए, गले जो पट्टी हम लगाए थे उसे मैं मोड़ करके, और ये पीछे वाली जो पट्टी इसके ऊपर है करके हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे शोल्डर ज्वाइंट करने से शोल्डर के पास फिनिशिंग रहती है। ये देखिए, दोनों साइड का शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो चुका है।
और ये देखिए एकदम फिनिशिंग से जॉइंट हुआ है। अब मैं ये आस्तीन लगा ली हूँ, ये बचा हुआ कपड़ा था जिसे मैं कट करके आस्तीन पे पट्टी लगा लूँगी। देखिए इसे हम आगे की साइड पलट करके यहाँ पे हम फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ मोड़ करके हम इसे फिर सिलाई लगा देंगे। ऐसे मैं दोनों आस्तीन तैयार कर ली हूँ। देखिए दोनों आस्तीन पे मैं पट्टी लगा करके तैयार कर ली हूँ। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए जो मैं बीच में चटका दी थी और ये शोल्डर का जो ज्वाइंट है हम वहाँ से रख करके सिलाई करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमारा आस्तीन का रहेगा तो एक साइड से निकल जाता है और आस्तीन में की फिनिशिंग में कोई फर्क नहीं आता है। देखिए आस्तीन ज्वाइंट कर ली हूँ, ऐसी मैं दोनों साइड की आस्तीन लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। देखिए फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसे आगे की साइड पलट लूँगी। देखिए टॉप पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम नीचे का घेर तैयार कर लेंगे। देखिए एक साइड से ज्वाइंट था हमारा और एक साइड से खुला हुआ, खुले साइड जो है कि हम दुपट्टे को ज्वाइंट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे जो दुपट्टा ली हूँ उसकी चौड़ाई ये जो है कि 32 इंच है और उसकी लंबाई 56 इंच है, ये 1.5 मीटर के करीब है। और ये जो है कि जब हम बॉटम कटिंग किए थे नीचे का घेर उसी की अरज में से निकला था, मैं उसी का ही दुपट्टा बनाई हूँ। और इसकी ये जो किनारी है हम तीनों साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं किनारी को फोल्ड कर ली हूँ। और अब ये देखिए मैं जो है कि बॉटम का हिस्सा ली हूँ। अब मैं इसे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये दुपट्टा रख करके हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स हम मीडियम साइज का डालेंगे, ना ज़्यादा छोटा अरे बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ा। देखिए मैं सारे प्लेट्स डाल ली हूँ। अब इसे मैं सिलाई कर लूँगी। देखिए दोनों हिस्सों को पकड़ करके मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली हूँ। ये देखिए फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। ये देखिए नीचे मेरा इनर है, इनर की वीडियो जो थोड़ी स्किप हो गई थी उसे मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। एकदम सेम साइज़ का हम जैसा मेन फैब्रिक है उतना ही हम इनर के भी कटिंग किए थे और उसे मैं सिल ली हूँ। अब यहाँ से हम ज्वाइन कर लेंगे। और ये देखिए फ्रॉक हमारा सिल चुका। अब मैं ये और ये नीचे का जो हिस्सा है इसे भी मैं चारों तरफ से फोल्ड कर लूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बीडिंग भी करा सकते हैं। ये देखिए बेल्ट है, बेल्ट की मैं चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और इसकी लंबाई 27 इंच है। अब इसे मैं तीनों साइड से सिल ली हूँ। अब मैं इसे पलट लूँगी। ये देखिए मैं पलट लूँ। यहाँ पर हमें जो है 24 इंच का बेल्ट तैयार चाहिए। अब वहाँ जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट कर लेंगे। और देखिए चारों तरफ से मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा ली हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा साड़ी गाउन बनके तैयार हो चुका है और पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।